अरे सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, गांव वालों, बाजार वालों, अपने बाजार में पहली बार आ रही है नौटंकी मुन्नी बाई की। सुनो सुनो बाबू और भैया, नौटंकी खातिर दे दी चंदा, चमके आपके धंधा। सुनो सुनो बाबू और भैया, नौटंकी खातिर दे दी चंदा, चमके आपके धंधा। नौटंकी खातिर दे दी चंदा, चमके आपके धंधा। कुर्ता के सब रंग ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, के सब रंग ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। चुप। अरे तू लोग का वो छपरा वाली पुतरिया के बारे में बात करत बा का? हाँ, वही के बात करत नहीं, जकरा ठुमका से अरे आ रही ले छपरा ही ले बलिया हिलेला, तोहरी लचके रोग कमरिया सारा चिलवा हिलेला। अरे बाप रे बाप, ओकरा के जवानी तो एकदम मस्त गदराइल अनार जैसन बा। साहू जी, अनारे ना बदरा वाली बिजुरिया हा, जब वो मारेली फरंट तो लागेला 440 के करंट। अरे तू ठीक कहले बा, वो तो बिजुरिया है, उका तू लोग उका का नौटंकी बुला रहे हो का? और का, उहे खातिर तो चंदा वसूला तानी, काले प्रोग्राम हो। अब बहनो तो बहनियों भी नाई भइल बा, फिर कैसे होई? बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमकी? कैसे चमकी बताई, चंदा कितना देहल जाए? अरे साहू जी, 151 रुपया। हाँ। बाकी रहुआ पर 151 रुपया देता नहीं। देता नहीं, देता नहीं। किलो 151 रुपया। और सुना, हम नौटंकी में सबसे आगे बैठे। साहू जी, हम रउआ के सबसे आगे बैठाई, बाकी चलत नहीं। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी। माई, राहुल भैया ना हमरा से हमेशा उलझलन। अच्छा? आज उनके चाय में जमाल गोटा डाल के दे दे, फिर घूमे इधर उधर लोटा लेके। बदमाश कहीं की। दुनिया कैसे चमकी। आवा आवा, तू लोगन के चेहरा मुरझायल तो रही जैसन काहे लटकल है? ए रुंझुन, ढेर बकर बकर मत कर, जो चार कप चाय बनाओ मलाई मार के। कहा? अरे माई रे, एमे तो पैसा भरल बा। बुझाइल, आज मंगलवार है, भोरे से संकट मोचन मंदिर के बाहर डिब्बा लेके खड़ा होकबा। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। चुप, हमनी का भिखारी बानी का? हमनी के नौटंकी खातिर चंदा वसूलतानी, ई ओकरे पैसा हो। हाँ हाँ, हम अभी चाय बनावतानी। राहुल भैया, इतनी सी बात पर काहे जौनपुरिया मिर्ची जैसन तिल मिलाए लगला? हाँ हाँ, हम तो हैये ही, बाकी तू तो रामपुरी चाकू जैसन हमनी के नाक काटे खातिर हमेशा तैयार रहलू। अरे अरे, तू दोनों तो तनिके बात पर उलझ गयला। हाँ विनोद भैया, ये तो भाई बहन के प्यार है, ये से प्यार बढ़ेला। अभी लाओ तो नहीं चाय मलाई मार के। अच्छा ये बतावा, अब आगे कहाँ चले के बा? अगला चौक। यार बहुत थक गए बानी। अरे वाह, चाय आ गई। का बात है? अच्छा एगो बात बतावा, तू लोगन के प्रोग्राम खातिर चंदा पूरा भइल की ना? अरे ना रे रुंझुनिया, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा मिलल है। फिर तू लोग बबुआ भैया से काहे ना कहा तरह, वो कोनो रास्ता जरूर निकली है। अरे हमनी के तो बात दिमाग में अइले ना रहल, अभी बबुआ के फोन लगावा तनी। लगावा।
राधे राम। माई ए माई, अरे कहाँ बाड़ू? अरे राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तू लो। अरे राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बड़ा जल्दी में बारा बबुआ, कहीं जाए के बाका? हाँ माई, बहुत जरूरी काम बा। हम तो हर जरूरी काम खूब समझता नहीं, कहीं मटर गस्ती करे जाए के होई अपन दोस्तन के साथ। अरे अरे माई, हम तोहरा के बाद में बताई, अबे जाए दे। बाद में बताई। लो भैया खाना खा ले। अरे टाइम नहीं के, बाद में खा ले। अरे बेटा, बिना खाइले पीले घर से बाहर ना निकले के चाहिए, दुगो रोटी खाइले से का हो जाए, लेट हो जाइबा। अरे माई कहली ना टाइम नहीं के, बाद में खा ले। पाला की बाबूजी सांस के मिला। छुटकी बहनिया, कैसन बाड़ू? एकदम बढ़िया। कितना दिन बाद चेहरा देखा तने, तोहरा बिना सब सुना सुना लगेला। कुल हीरा मोती गिरता, सब अब वहीं गिर जाई तो ब्याह के बाद विदाई में का गिरी? हाँ भैया, जब हम तोहरा से बात ना करब। अरे तू तो ऐसे चेढ़े लगलू जैसे कबो ब्याह ना करबू। हाँ, हम कबो ब्याह ना करब, अपन भैया के छोड़ के कहीं ना जाई। अरे ना चाची ना, अपना बहनी खातिर ऐसा लड़का ढूंढब जब ब्याह के बाद घर जमाई बन के ही रही, तब तो करबू ना। जब पांच को चाय बनाओ बढ़िया से, हम चाची से बतिया होता है, ठीक बा? अभी ले आता नहीं। और चाची का हाल चाल बा? अरे बेटा सब ठीक बा, भगवान के कृपा से दाना पानी सब चल रहल बा। अरे हम तो भूलिए गई नहीं। का भल चाची? अरे चूल्हा पर दाल चढ़ा के आयल बानी, अब का जानी जरल की बात चल। जाए जाए जाए। का हो सारा लोग बतावा? भाई कुछ चंदा के इंतजाम नौटंकी खातिर? भाई हाँ, मंदिर के प्रसाद जैसन, अब ई जवार में केहू अपन जेब ढीला करे नहीं खंचा, बाकी पतुरिया के ठुमका देखे खातिर सब हिन बावड़ाइल बाड़े। भैया ओकरा में पूरा 10,000 कम होका था। बाप रे बाप, इतना फिर कैसे हुई हो? ओ वेल पैसा के इंतजाम। अरे प्रणाम 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 प्रणाम, खुश रहा खुश रहा। अरे बाप रे बाप, सब एक के साथ आयल बड़ा। का बात है भाई, तोनी के मुंह काहे लटकल बा? कौना के मंगनी उंगनी टूट गई है का? अरे काका, मंगनी तो बहुत छोटी बात है, यहाँ बिया टूटे के नौबत आ गेल बा। केकर बिया? शंकरवा के। इतना मेहनत से एक हफ्ता बनारस में रह के बिया तय करा के आई लानी है, कहा था जब तो नौकरी न मिल बिया ना करो। ठीक के तक कह रहे बा, नौकरी बिना बिया। हे बाबू हेनेवा। हाँ काका, तू काय न कर लेबे ला बिया? ए तू तो गबड़ो जवान बा। काका हम तो कह लेती, बाकी जकरा से कह के आयल बानी ओकर का होई? के आयल बानी माने मतलब बिया? बिया कर के आयल बड़ा? हल रहो, ये बात हमरा के मालूम है नहीं के, बाकी हम तो सुन ले रही कि तू परीक्षा देवे बनारस गईल रहला। उकारे काका, बनारस गईल तो रहली परीक्षा देवे खातिर, बाकी नैन मटक्का हो गईल तो हम सोचली एक पांच दुई काज कर ले। काका लेकिन बहुत कॉन्फिडेंशियल बात है, हां केकरो से बताइब ना? हम चुगलखोर नहीं की, हमरा पेट में सब बात पर जाला अजमाइन जैसन। काका अब विनोद लड़की के उम्र 25 साल तो होबे करी। हाँ हाँ। और काका रहुआ 50 के आस पास था। ना 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 ना, ना। दो बरस कम कही का? तब तो और बढ़िया बा, एमे दो बात हो सकेला। हाँ। हमार काम भी हो जाए, जुबान भी ना कटी। का मतलब? करब। अरे तोहरा के ब्याह करे के जरूरत नहीं के। हाँ। ओकर ब्याह ना का? काका से करा दिल जाओ। हट पगला कहीं का, ये उम्र हमार ब्याह करे के? अरे काका, साठा के पाठा कहल जाला, अबही तो रहु जवानी एकदम सलमान खान जैसन गठाइल बा। खाली बाल में खिजाब लगा के रंगे भर के काम हा बस, फिर केहू रहुआ पचानिए ना पाई, ये हमार दावा हा। बात मन गई। ठीक है बेटा, जब जवान हो जाला तो दोस्त बन जाला, जब तू लोग के ही मर्जी बा तो हम तैयार बानी।
बाकी हमारे के करे के का पड़ी कुछो ना काका लड़की वाले कहले ना के ब, ब, कि फलदान से पहले नौटंकी और बारात में भी नौटंकी और कुछ ना नौटंकी हाँ हो जाए एक राम कौन तो बड़ा समस्या है सुनी हाँ उन नौटंकी वाली के तैयार कर ला बतियाला जरा उतर के वो तो हम पहले कह के आए बनी बाकी कर ले ला बाकी बाकी का बाकी 10,000 रुपया की जरूरत पड़ी दस हजार हाँ। दे दे तनी ला भाई 10,000 और कोनो जरूरत हो खेत तो कहियो कहियो काका की जय काका की जय काका की जय हमार बियाह करावत बताब कैसन कैसन लैकन हो कहो चरलिया रानी चाय पीबू की पानी बोला बोला झूलनी अंदर दबाई के झूलनी अंदर दबाई के झूलनी अंदर दबाई के झूलनी अंदर दबाई के 900 गुंडा मर गई ले झूलनी अंदर दबाई के 900 गुंडा मर गई ले झूलनी अंदर दबाई के झूलनी अंदर दबाई के झूलनी अंदर दबाई के 900 गुंडा मर गई ले झूलनी अंदर दबाई के गुंडा मर गई ले झूलनिया तर दवाही के झूलन के धक्का में निस्तर के लागल ओई नैन मटक्का दिल पे लागी धक्का डॉक्टर के लागल ए बाबू काका बहुत टाइम हो गए लड़के वाले आइलन की ना कहीं दिखावत नहीं खन काका आ जाइए गाड़ी घोड़ा कहाँ टाइम पे चलेला हाँ हाँ काका गाड़ी घोड़ा कहाँ टाइम पे चलेला रोवा नौटंकी के मजा ली हाँ नौटंकी के मजा ली हाँ लेकर जिगरा के पारल झूलनिया से बड़ बड़ जाने के टूटल कंठी माला छोड़ के कूटी छाने लगले बूटी जिगरा के पारल झूलनिया से माला बड़ बड़ जाने के टूटल कंठी माला जानी जानी करे लगले ओ जानी जानी करे लगले राम के भुलाई के जानी जानी करे लगले राम के भुलाई के 900 गुंडा मर गई ले झूलनिया तर दबाई के 900 गुंडा मर गई ले झूलनिया तर दबाई के झूलनिया तर दबाई के झूलनिया तर दबाई के 900 गुंडा मर गई ले झूलनिया तर दबाई के गुंडा मर गई ले झूलनिया तर दबाई के 900 गुंडा मर गई ले झूलनिया तर दबाई के 900 गुंडा मर गई ले झूलनिया तर दबाई के 900 गुंडा मर गई ले झूलनिया तर दबाई के 900 गुंडा मर गई ले झूलनिया तर दबाई के ए बबुआ हां काका नौटंकियो खत्म हो गई लड़की वाले न आइले अरे काका रवा तो हमने के दिमाग कब से चाट रहा बानी अरे जो स्टेज पर नाचत रहे उहे नु लेकी या चुप
ससुर के नाती हमरा के बुड़बक समझेला न न न न न काका बुड़बक नहीं के समझत रोवा पैसा काहे खातिर देले रानी नौटंकी खातिर नौटंकी खत्म पैसा हजम काका रोवा कहो सुने बनी 50 की उम्र में बिया के चा कीजे तो जूता उतार के कबाब कीजे अरे अरे यार काका जाय दे बचपन सब खुश रहे बस यही चाहेला हमरा हमरा और का चाहिए खुश रहे बदमाश तू का आग लगावे आगे अरे बहनी हाँ एमा तो चीनी नहीं खे अरे बेटा हम ही चीनी डालल भूल गेल रही अभी डाल देता नहीं अरे भैया ज्यादा मीठा ना खाएंगे ना तो पेट में कीड़ा पड़ जाएगा अरे मां नानी दादी आगे से ख्याल रखो ठीक बा अरे का बैल हो रही है हमारे से हुआ कर अरे तेरे बच्चे जाके अरे दादा हो अरे क्या हो अरे दादी के देख हमारे दादी इडियट स्टूपिड कहीं के सड़क पर ठेला लेके ऐसे चला तारे सड़क तो हर बाप के बाप मैम साहब हमरा का पता रउआ इतना तेज से गाड़ी चला के आवतनी हम तो अपन ठेला लेकर सड़क पार करो जातनी हां अरे ई बाजार हो इतना भीड़ भाड़ बा रउआ देखत ना रहनी हां ब्लडी फूल तहां ठेला से हमार गाड़ी के ठोकर लग गई ह एमे खरोच आ गेल ह एकर खर्चा के दी तहार बाप अरे मैडम एक तो भीड़ भाड़ वाला इलाका में इतना तेज गाड़ी चलाओ तारू ऊपर से कुकरन वाला हॉर्न बजा के लोगन के डराओ तारू और ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करत तारू गलतियों करत तारू और रौब झारत तारू चेहरा मोहरा से लागता जैसे कोनो अमीर बाप के बिगड़ल औलाद हो और पहनावा से शरम हया धो के पी गेल बड़ू शराब अमीर बाप की बिगड़ल औलाद हुकबो अपना घर में ई गांव है गांव यहाँ लोक लाज मर्यादा संस्कृति होला भारतीय नारी हो लोक लिहाज के ख्याल रखा ना तो जहाँ से आयल बड़ू ना उहे भेज दे कहे की हमारा नाम है तहार नाम बबुआ हो या झबुआ तू हमरा नहीं के जानत हम के है और इस भरल बाजार में जेतो हमार बेइज्जती कैला ओकर अंजाम तहरा के ना मालूम एही बाजार में तहार उ हसर कराई कि तू अपन चेहरा ना पहचान पाईबा रानी रूपमती जा जितना तोहर बाबूजी फौज इकट्ठा कैले होइए ले आवा हम यहां इंतजार करब ए ठेला वाला हटाई ठेला तो ना हटी चुपचाप अपन सुनर मुनर हाथ से फल भरा और निकल ला पतली गली खंबा बचा के तो ये भैल मर्दानगी वाली बात इकरा कहल जाला इनका जवाब पत्थर से तबक बेटा स्टूपिड गाय ई शहर वाले हम गांव वालन के बुड़बक समझेला इच्छाधारी नागिन चला उठा उठावा ही ठेला पर रखा चला रखा लेकिन चला चला ए मैडम बबुआ के जवान पत्थर के लकीर होला अब तो तहारी गाड़ी यहाँ से तबाही खिसकी जब तू ए पर फल रख देबू चला मेम साहब फटाफट काम में लग जा ए मैडम ई कोहंडोर है कोहंडोर यहाँ के डोर ना बबुआ के हाथ में है छोड़ ना पीछे क्यों बात को बढ़ा रही है देख सब हमें ही देख रहे हैं ऐसा करते ये फल उठाकर वापस ठेले पर रख देते हैं हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है हाँ वही तो यही ठीक है ठीक है ए मिस्टर बबुआ जाए से पहले बता देता नहीं हमार नाम प्रीति संकटा प्रसाद चतुर्वेदी है हम विधायक जी के इकलौती बेटी है हमार इंतजार करी है अरे तहार इंतजार तो कयामत तक करम मैडम साम दान दंड भेद कुल जानी ले ओकरा के उड़ान भरेदा जौन दिन हमार माथा ठनक गई वही दिन ओकर गर्दन मरोड़ दे शांतरा सरप्राइज पापा अरे बिटिया अचानक पापा ये हमार फ्रेंड्स हवे नमस्ते अंकल खुश रहा बेटा खुश रहा पापा
हमार नाट्य अकादमी में विदेशी डेलीगेट्स के सेमिनार चलता, वहीं से हमनी के एक हफ्ता के छुट्टी मिल गई। अच्छा, तो हम कहनी अपन दोस्तन से कि चला हमरा साथे, यहाँ पे लोगन के ऐतिहासिक किला विला दिखा दी। ई तो अच्छा कहिलो। अरे तोरा के कोनो तकलीफ ना होके ओहो से हम अपना खास बॉडीगार्ड भैरवा के तोरा साथ लगा देता नहीं। ई छोटी मालकिन है भैरवा। पापा देखे में तो ई पहलवान लगता, बाकी एकरा में कुछ दम खम भी बा कि ऐसे ही स्टैच्यू बनल बा? अरे बिटिया ई बहुत ताकतवर बा, जिला के दंगल में नंबर वन रहेला। अच्छा, ई अकेले ही 10-10 के बराबर बा। हाँ तब ठीक बा, कल भोरे हमरा साथ चलेला तैयार रही हो? जी मैम साहब। अरे यहाँ बबुआ के बा? के है बबुआ, बताबो तड़ा की दुकान के शमशान बना ली। हम ही बबुआ, का हो का बात? कल जौन तू बेहुदगी कैले बाड़ा ओकरा खातिर हमार छोटी बालकिन से माफी मांगा। माफी कहाँ सोचा तारा, चला ना तो कुकुर लेखा लतियावत और घसीटत ले जाए, समझ में आये तोरा? अरे नाना वो का बात बना कि यहाँ तनी हमारी इज्जत बा उकरा के रह दी, हम खुदे चला तनी माफी मांगे इनकरा से। हाँ इनसे मैडम वो भैया कहलन कि हमरा रउआ से माफी मांगे के काल वाली बात के लेके, अब माफी मांगे खातिर अपन पाप के प्राश्चित करे खातिर राव चरण स्पर्श करे के पड़ी, और चरण स्पर्श करे खातिर रउआ के राव जहाज से बाहर आवे के पड़ी। तनिक बाहर आए, चला बगल हुआ। आई आई होले होले धीरे धीरे। अरे बाप अरे बाप, मांग ले ली मरी। मैडम बबुआ के मारे खातिर एक दूसरे काम न चली, पूरा के पूरा फौज चाहिए। क्या हो प्रीति बिटिया और उनका सहेलियन नाश्ता कैली कि ना? छोटी मालकिन तो भोर ही अपनी सहेलियन के संगे घूमे चल गई, कहत रही सांझ के लौटब। तू जा का बिटिया, बड़ा जल्दी आ गई लू बिटिया। अरे बिटिया का बात है भाई, जे इतना गुस्सा में दिखाई दे दिया, जरूर कौनो बात है। का भैरवा का भइल के कैला सोहार ई हाल?
बोलत काहे नहीं के? कौन माई के लाल में इतना दमखम बा जे हमरा आदमी के खून से खेले के साहस कैलस? बोल। मालिक उलैका चौक के दुकान पे बैठ के करेला, वो कल छोटके मालकिन से बदतमीजी कैले रहल। ओकरा खातिर जब हम माफी मांगे के कहले त हमारी हाल कर दियालस। का ओ हराम जात हमार बिटिया से बदतमीजी कैलस? हमरा के अभी पता चलल, समझ ले ओकरा जिंदगी के टिकट कट गई। मौत के दूसर नाम संकटा प्रसाद। बुला बिरसा आहिर के। ए लड़की, तोरा नाम रुंझुन है? सुनले है कि तोरे दुकानी पे एगो कुकुर राखे बैठी जे अपना आप के शेर कहेला, ओका नाम बबुआ है। कहाँ है वो बदमाश? का बहिनी, एगो शेर के बहिन होके गीदड़ भपकी से डर गईलू? हाँ मही बबुआ। चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ जो, विधायक जी बोले बाड़े। तू तो ऐसे कहता रहा जैसे विधायक जी वहां के तलसा बाड़े और हमनी के उनकर गुलाम। जाके कह दिया विधायक जी से कि हमनी उनके बाप के नौकर नहीं की, जे हुकुम बजाए। लगता तू यहाँ पर नया नया आयल बाड़ा, यही से तू हमारा के नहीं खे पहचाना। हमार नाम बिरसा हो, बिरसा आहिर। अरे हमरे माधव के उद्धव, हम यह खाती नया नहीं की, ये हमरे बाप के और बाप के जन्म यही माटी में भइला, और नाम है बबुआ 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 गोकुल प्रसाद तिवारी, ग्राम गढ़वा, पोस्ट नरहरपुर, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, आजाद हिंदुस्तान। ये पकड़ ही आजाद हिंदुस्तानी के डाल गाड़ी में। हम तुम्हारे बाप के पास पहुंचा दी। चल 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 विधायक के पास। एक एक देख ले ली। राहुल काम हो जाए ठीक बा। Oh!
प्रणाम करता नहीं विधायक जी, हमरा पता ना रहे कि हमार स्वागत इतना गर्मजोशी से हुई, ना तो हम खुद ही चली आई थी, ये भाड़ा के टट्टूहन भेजे के क्या जरूरत रहे। तोता जैसन बड़ा पट पट बोला तारा, तहार नाम का है? इंसान के नाम तो कर कर्म से होला विधायक जी, और हमार कर्म रोवा सामने बा, पूछा तानी तो बताओ तानी। बुझाता हमरे बारे में जानत नहीं खे कि हम कौन बला। एक बार इंसान मौत के मुंह से बच सकेला, लेकिन संकटा प्रसाद के संकट से ना। हम यहाँ के विधायक हैं, विधायक रउआ बारे में बहुत अच्छे से जाने ली विधायक जी, जनता के टुकड़ा पे पले वाला पंचवर्षीय मेंढक, ये टटराई मत, ना तो आवे वाला इलेक्शन में एक एक वोट खाते तरस जाए। याद रहे हम जनता हैं, और जनता जनार्दन होला, उनकर से पंगा लेब तो उ हाल होई जोन धोबी के कुत्ता के होला, न घर के ना। पानी के पानी हा आखी के आज जोसलेला दुश्मन के बन जाला नाच। बबुआ 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 रख के चलेला हथेली पे जान, बंद करके सीना में राखे तूफान। बबुआ 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 अरे हे लखनऊ वाली हाय हाय। से मैसेज भेजा तानी, पढ़ला हमरा नजर में रानी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। हर दिल से मैसेज भेजा तानी, पढ़ला हमरा नजर में रानी, बजे लगी रिंगटोन मनवा डोले लागी हो, हौले हौले दिलवा लव यू बोले लागी हो, हौले हौले दिलवा लव यू बोले लागी हो। नजर में काहे चढ़त देलू गुस्सा और तकरार के, अखिया के रस्ते से आजा दिलवा घर है प्यार के। जिस उपभोक्ता से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी पहुंच के बाहर है। हाय नजर में काहे चढ़त देलू गुस्सा और तकरार के, अखिया के रस्ते से आजा दिलवा घर है प्यार के, रंग मोहब्बत के ना बिखरी, चढ़ जाई तब फिर ना उतरी, ना उतरी हो तबो ना उतरी। अरे रंग मोहब्बत के ना बिखरी, चढ़ जाई तब फिर ना उतरी, एक दूसरा के बोली मिसरी खोले लागी हो, हौले हौले दिलवा लव यू बोले लागी हो, हौले हौले दिलवा लव यू बोले लागी हो।
पे लाइट पूरा कंप्लीट बा हमर तो हर जोड़ी ए डार्लिंग सुर हो आना फीट बा जिस नंबर पे आप बात करना चाहते हैं वो दूसरी कॉल पर व्यस्त है डार्लिंग सटीक हाइट फेस पे लाइट पूरा कंप्लीट बा हमर तोहर जोड़ी के डार्लिंग सुर हो आना फीट बा जब हमरा से भेंट हो जाई प्यार में लाइफ सेट हो जाई मिला अब टू डेट हो जाई अरे जब हमरा से भेंट हो जाई प्यार में लाइफ सेट हो जाई प्रीत मीत के पन्ना पन्ना खोले लागी हो हौले हौले दिलवा लव यू बोले लागी हो हौले हौले दिलवा लव यू बोले लागी हो दिल से मैसेज भेजा तानी पढ़ला हमरा नजर में रानी अरे वाह लखनऊ वाली दिल से मैसेज भेजा तानी पढ़ला हमरा नजर में रानी बजे लगी रिंग टोन मनवा टोले लागी हो हौले हौले दिलवा लव यू बोले लागी हो हौले हौले दिलवा लव यू बोले लागी हो उपभोक्ता अभी व्यस्त है कृपया लाइन पे बने रहे ए मोहब्बत जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद यार तो फिर इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से आग बराबर की लगी होनी चाहिए तो फिर प्रीति को भी बबुआ की याद में करवट लेकर नींद नहीं आनी चाहिए अरे नहीं अगर नींद आ भी गई तो उसके चाहत में प्यार भरे मीठे सपने तो आते ही होंगे कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ये प्यार कोई खेल नहीं शट अप बहुत हो गया तुम सबों का चुपचाप जाकर सो जाओ हम तो सो जाएंगे प्रीति रानी लेकिन तुम्हारा क्या होगा हाय रुंझुन अरे मीम साहब रउआ बुझाता हमार भैया के जादू चल गए का मतलब अरे कुछ ना रउआ ये साड़ी में बहुत सुंदर लग रहा बानी थैंक यू इधर से गुजरत रही तो सोचनी एक कप चाय पी ली का सोचे तारो चाय ना पिलाई वो का अरे कुछ ना आ, 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 बैठे आ जाओ ठीक बात टुकुर टुकुर का देखा था नहीं अपन माई बहन के नहीं के देख ले चाय पियल हो गई तो चली रास्ता ना पी तुम बहुत ही स्वीट और तेज तर्रार हो धंधा में रहे के पड़ेला मेम साहब ना तो सब लूट ली है तो हमरा मेम साहब का है बोला तारू दीदी भी तो बोल सकेलू ना मेम साहब दीदी कहे से हमरा गाली पड़ी ओ कैसे समय आए तो सब समझ जाए ठीक बा गोदना गोदना गोदालो गोदना आहो बिटिया एक गोदना गोदाला तब बहुनी हो जाए तो चाय पी अब हमरा गोदना नहीं के गोदावे के तोहरा चाय पिए के बा तो बोला हम पैसा ना ले ना बाबा ना मुफ्त के चाय हम ना पियब एको गोदना गोदाला का चाय पियब रुंझुन एक काम कर तू इनका चाय पिला दो पैसा हम देता नहीं मेम साहब का करता नहीं समझी ना एको गोदना गोदाली तो वही से चाय पियब अपने गोरे गोरे गाल पर एको तिल बनवा ली गाल पे तिल सच्ची प्रीति तुम्हारे गोरे गालों पे तो बहुत जमेगा बिल्कुल ब्यूटी स्पॉट जैसा बिल्कुल ठीक आजकल तो टैटू का फैशन जोरों पर है वाकई प्रीति ब्यूटी स्पॉट तुम पर बहुत खिलेगा रियली प्रीति जब सब कह रहे हैं तो कुछ बात तो जरूर होगी अच्छा ठीक बा बना दो हमरा गाल पे तिल बहुत सुंदर लग रहा है अच्छा लग रहा है ना अरे गोदना वाली चाची ई चांद जैसन सुरतिया पे करिया तिल लगा के कितना के जान मरवाइबू हमार जान के दुश्मन त तू हवा हम हां
तोरे गाल पे गोरिया गोदवा के गोदनवा हो, हो, हो। अरे गोरे गोरे गाल पे गोरिया गोदवा के गोदनवा हो लागे गदर करे बोले बू कितने जने के जनवा हो लागे गदर करे बोले बू कितने जने के जनवा हो तोहरा बाटे भइल मनवा मोर बेईमान हो मार तारु जान तू नैना पान चला के जान हो गदर करे बोले बो कितने जने के जनवा हो लागे गदर करे बोले बो कितने जने के जनवा हो लागे गदर करे बोले बो कितने जने के जनवा हो बतिया पूछे अपन दुल्हनिया हो इतना बड़ाई कई के हमरा इतना बड़ाई कई के हमरा बोलन मजा पाइबा का तू गलबा बे नजर गड़ा के हमरा के दुनिया आइबा का तू गलिया पे नजर गड़ा के हमरा के दुनिया आइबा का आ गोरे गोरे गाल पे गोरिया के गोदनवा हो घूर घूर के देखे ला तू हमरा पे नजर आइबा का लागे गदर करे बोले बो कितने जने के जनवा हो भैया ए सुमितिया गाना बंद करे अरे भैया ये गाना आज के दिन के शुभ संदेश बा का है भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना अरे भैया आज राखी है का अरे पहले काहे ना बतालू तो मन गई अरे राम 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 ए चल 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 राम 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 ले भैया 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 आ गए ले आज उनका मजा चखाई हम कहाँ छुपी बापू टेबल के नीचे ठीक बा बाकी तू बताया बस
लागी चाची? अरे जीते रह। कैसन बाड़ू? ठीक है। रंजुनिया कहाँ बा? अरे ऊ तो तोहर रास्ता देखत देखत कमरा में गुस्सा होकर परल लिया। अब जा जाके तू ही मनावा। अरे बाप रे बाप, मनाओ तो हम। रंजुन, ए रंजुन, अरे चाची बतावे ना कहाँ भी आऊ। अरे भीतरे तो हम ही यहाँ हैं। रंजुन, ए बहनी, रंजुनिया, अरे चाची परेशान मत करा, बताओ ना कहाँ भी आऊ। अरे वहाँ भीतर देखा है? अरे अच्छा, रंजुन, ए रंजुन, कहाँ वाड़ू तू? ए रंजुन, भैया से छुपे नहीं भैया, चल भैया छोड़ो, चल बहरे, चल 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 बहरे, चल देखा था वो चाची चोरनी पकड़ा गई। अच्छा चल अब अपना भैया के राखी बांध दे। चल ना माई, वो चारों भैया लोग कहाँ हैं? बोला शैतान के नाम लिया लूँ, शैतान हाजिर। ला पकड़ा, पाय लागे चाची। चाची प्रणाम। प्रणाम। देखा मुँह, देखा स्टैंड मास्टर भैल बाड़े सब, देखा देखा मुँह, देखा कहो कहाँ रह गेल रहा तू सब? भैया बाजार में राखी के लेके बहुते भीड़ रहा, उहे से आवे में देर हो गई। चला अब सब लोग राखी बंधवा ला। हाँ हाँ इला। हमरे तरफ से ये रसोई से। अरे वाह, एक रा बिना तो रसोई अधूरी है। अच्छा खाए पिए के बाद मनोरंजन भी तो चाही, तो इला हमरी तरफ से टुई टुई वाला वीडियो गेम। और ई रहा हमरी तरफ से टीवी सेट, छोटा पर्दा पे बड़ा धमाका, एमे प्रोग्राम देख के रंजनिया के मन बहली। अरे वाह, आई हम तोहरा खातिर लाइल बनी नक चढ़ा दुल्हा। सुनील भैया आज के दिन भी। अरे बहिन नाराज काहे हो तरू, आई देखन तोहरा खातिर लाइल बनी झका झक फराक। अरे वाह वा, वा, तो बहुत ही नीक है। ई इला हमरी तरफ से। ला भैया पैसा ना ले। अरे घर आए लक्ष्मी के अनादर ना कर जाला। ले ला बिटिया, ई राखी के सगुन है, मना मत कर। तलैया पर इंतजार करत बानी, जल्दी आओ प्रीति। अरे बबुआ तू आ गई ला। तू बुलावा और हम ना आए, ऐसा हो सकेला का? तोहरे याद के सहारे तो जियत बानी। तू इतना चाहेला हमरा के? अपना जान से भी ज्यादा, आज माँ के देखला। अरे ना ना, हम तो ऐसे ही मजाक करत रही। अरे बबुआ तोहार इंटरव्यू में कहाँ भई? प्रीति बात यह कि तोरा से का छिपाई, हम यह गांव में खेल कूद के बड़ भैलवानी, ये मिट्टी से हमरा के बहुत प्यार बा, खेती के नया नया तरीका सीखब, लोगन के सिखाई और माई बाबू के ख्याल भी तो रखे के बा। अरे नौकरी ढूंढल तो एक बहाना बोला है, मैं तोहार का विचार बा। अरे वाह बबुआ, तोहार ई विचार से हम बहुत खुश बानी, इतना पढ़े लिखे के बाद भी तू अपन गांव अपन माटी के सेवा करे के चाहता रह, ई सोच तो सब केहू के रखे के चाही, आखिर ई देश के आत्मा तो गांव में ही बसेला ना। अरे हाँ बबुआ, हम तो भूल ही गए रही जौन बात खातिर हम तोरा के बुलावले रही। का? कल
भोरे हमार सहेली के फोन आयल रहे, वो कहत रहली कि कल से हमार डांस क्लास स्टार्ट हो जाए, तो आज रात में हमके जाए के पड़ी। तो उदास काहे हो गई ल? एक ही महीना के तो बात है ना, ओकरा बाद तो हम जन्म जन्म तक साथ रहब ना। चलो मुस्कुरा दो बबुआ प्लीज। तोरा जाए से पहले एक बेर देख तो लें जी भर के। अरे केहू देख ली तब? केहू देख ली तो देख ले, प्यार करे तोरा से कोनो चोरी चोरी तक ले पारा का हमार दिल तो हमारा मानत था। पनिया तो रखा सिर्फ भैया। अरे रिक्शा पे जब बैठी के गोरिया चलली बजारी में। पाय लगी काका? खुश रहा बबुआ। बताई कैसे आईली? अरे बबुआ हमनी के कुल खेती खराब हो गई, पानी के बड़ी किल्लत बा। अरे काका कहले रहली ना इस सहकारिता खेती कैल जाओ। बबुआ सहकारिता खेती कैसे कैल जाला हो? काका हमनी जब मिलजुल के खेती करेली ना ओकरा के कहल जाला सहकारिता खेती। मिलजुल के कैसे खेती होला? अभी रउआ पास कितना खेत बा? 20 बीघा। रउआ पास 30 बीघा। राउर पास 20 बीघा। कितना भइल कुल मिला के? 70 बीघा। अब 70 बीघा के बीज खरीदे जाए तो थोक में मिली, हाँ, सस्ता मिली, हाँ, कम पानी लागी, हाँ, कम मेहनत लागी, लागी कि ना लागी? हाँ, हाँ, लागी। अब लागी, कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा, यही के तो कहल जाला सहकारिता खेती। बड़ा अच्छा तरकीब सुझाव लाए बबुआ। अरे काका यही सब कह के दूसरे प्रदेश के किसान कहाँ से कहाँ पहुँच गए लन? तरुआ लोग करब ना सहकारिता खेती? हमार बात समझ गई नी? अच्छा रउआ लोगन के प्रणाम, जाए आप लोग याद रख। हटो छेड़ो ना
तुम्हारा ध्यान नृत्य में नहीं लग रहा है, क्या बात है बताओ मुझे। कुछ बात तो है। झुनझुन बेटा तनिक हमरो चाय पिला दा। तोहार तबियत तो ठीक बानू बेटा। हाँ ठीक बा। ठीक बा। जा जियत रहा।
का भाई डॉक्टर साहब? जौन बात के हमरा के शक रहे, उहे एमआरआई रिपोर्ट में आयल बा, रुनझुन के ब्रेन ट्यूमर बा। ब्रेन ट्यूमर? बाकी एकर इलाज का है डॉक्टर साहब? बबुआ एकर इलाज सिर्फ ऑपरेशन बा ऑपरेशन। एमआरआई रिपोर्ट से पता चला है कि ट्यूमर तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे जल्दी से जल्दी ऑपरेशन जरूरी बा। साधारण तौर पर चक्कर आयल ही एकर मुख्य लक्षण बा, और एकर इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, ओकरे अलावा कुछ नहीं। ऐसे जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लिया आप लोग। ऑपरेशन में कितना खर्चा आए डॉक्टर साहब? कम से कम 25 लाख रुपया लगी ऑपरेशन। और हाँ, पैसा के इंतजाम जल्दी करे के पड़े, ना तो जान पर भी बन सकेला। ठीक बा डॉक्टर साहब, हम जल्दी आएंगे। ठीक बा। प्रणाम। प्रणाम। कौन सवारी? मानिक जी, आपकी काफी सारी बातें काफी हद तक सही हो सकती हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि शहर की इन घटनाओं में बाहर के आतंकवादियों का भी हाथ है, क्योंकि दोनों तरफ के वर्कर्स घायल हुए, रूलिंग पार्टी के और ऑपोजिशन के भी, और आगे से ऐसे कोई बड़ी घटना न हो इसके लिए मैं आप सबको निर्देश देता हूं कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को फॉलो किया जाए और शक होते ही उसे तुरंत हिरासत में लिया जाए। इज दैट ओवर? चल। अरे ली, एसपी साहब संभाली अपना कानून और समाज के दुश्मन के क्या है जिस शहर के आबो हवा में बारूदी जहर घोल ले बा। जे इंसानी खून के साथ होली खेलत रहे। यूहे है एसपी साहब जे अस्पताल के सामने अभी अभी बम फोड़ के भागत रहे, और जोन काम राउत डिपार्टमेंट के करे के चाहिए वो हम कहीं नहीं हा। तो हर बहादुरी की हम दाद देता नहीं, लेकिन पुलिस भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठल, शहर भर में छापेमारी और धर पकड़ चल रहा बा। उसे का हुई? हा? उसे का हुई? आज पकड़ाई और कल छूट जाई। ऐसी बात नहीं की, तू शायद पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में गलत फहमी पा लेने वाला। सच्चाई ना, सच्चाई तो यह है कि बहुत जल्दी शहर नॉर्मल हो जाएगी। बाकी जिनका घर के चिराग बुझा गए उनकर का भरोसा ना एसपी साहब, फर्ज निभाई। एक मिनट, कहाँ ना हो तुम्हार? बबुआ।
आरडीएक्स कहां ले जा रहा था और किसके कहने पे? बोल। ये मौत का सामान किसके लिए ले जा रहा था? कौन है तेरा आका? बोल। बोल, कौन है तेरा आका? किसके कहने पे कर रहा था ये? एक बात अच्छी तरह समझ ले, मुर्दे से भी जुबान खुलवाना मुझे अच्छी तरह आता है। बता दे कौन है तेरा आका, वरना इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा कि दफन करने के लिए कफन भी नहीं मिलेगा। बोल। ओ साहब, तू मेरा बोटी बोटी भी काट देगा ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, तू मेरी जुबान कभी नहीं खुलवा पाएगा, कसम परवरदिगार। पठान का बच्चा है, पठान का जान चला भी जाएगा पर जुबान नहीं खोलेगा। एसपी माथुर नाम है मेरा, ध्यान से सुन ले, कानून की भट्टी में डालकर इतना पिघलाऊंगा कि सच्चाई कहां से निकलेगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। खबीस का औलाद एसपी, तुमने हमारे आदमी को नहीं अपना जिंदगी को कैद किया है, कसम परवरदिगार का तुम्हारा इलाका को शमशान बना देगा, और खुदा कसम तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना देगा। भाई तुम परेशान मत हो भाई, गुस्सा थूक दो भाई, पहले हमको ये सोचना है कि हमारा आदमी सलाखों के पीछे से कैसे निकलेगा। हमने सुना है भाईजान, यहाँ के एसपी बहुत सख्त है, वह गुनाहगारों से हकीकत उगलवा कर ही दम लेता है। और दुश्मन को दुश्मन का तारीफ मत कर, हमारा मलाल खान का आदमी है वो, कोई कच्चा मिट्टी का नहीं, जो कोई भी तोड़ देगा मोड़ देगा, और फौलाद का जिगर है उसका, न उसे कोई तोड़ सकता है और न कोई मोड़ सकता है, हमारा फक्र है वो, ईमान है वो। भाईजान वो बात सही है, लेकिन हम उनको बाहर निकालेगा कैसे? ओए शमशेर, ये पठान का खोपड़ी में सारा पता क्या है? अभी जुर्म का गाड़ी कानून का हाथ पकड़ के कानून के सड़क पे दौड़ता हुआ सलाखों के पीछे तक जाएगा, और इंशाअल्लाह हमारा आदमी आजाद होगा, ये हमारा सिक्स सेंस बोलता है। मान गए भाईजान, आपके दिमाग का कोई सान ही नहीं है। ओए दिलावर, विलायत खान का दिमाग जब शैतानी हरकत पे आता है ना तो कहर बन के टूटता है, कहर बन के। एसपी माथुर, ओए, इस जंग का आगाज तुमने किया है, खुदा कसम अंजाम हम देगा, ये पठान का जुबान है। ए, हमारी गाड़ी काहे रोक ले? अस्सलाम वालेकुम, हमारा भाईजान आपसे बात करने के वास्ते आपको गाड़ी में बुलाता है। तुम्हारा भाईजान कौन है? ओ बादशाह आप घबराओ नहीं, हमारा भाईजान उधर गाड़ी में बैठा है, आप आओ। अस्सलाम वालेकुम विलायत खान, खौफ और दहशत का दूसरा नाम संकटा प्रसाद। हमको मालूम है, ओ इधर का विधायक है तुम, हमको सारा खबर है, हमारा तुम्हारा धंधे का चोली दामन के साथ है। अपना फायदे के लिए तुम दंगा करवा, पर अभी जो इधर दंगा हुआ वो हमने कर। बोलो क्या काम है? ओए हमारा आदमी लोग को तुम्हारा इधर का एसपी
आरडीएस के जखीरे के साथ सलाखों के पीछे डाल दिया। किसी भी कीमत पे हमको हमारा आदमी बार मांगता। इस काम के वास्ते हम तुम्हारा स्विस बैंक अकाउंट में 50 करोड़ रुपया डलवा देंगे। मंजूर? मंजूर, लेकिन एक अड़चन है। यहाँ का एसपी माथुर बहुत ही कड़क आदमी है, वो आसानी से हाथ नहीं आएगा। बस उसे सीधा करना होगा। ओए, हम पठान का बच्चा है, बहुत सबर है हमें, कयामत तक इंतजार करेंगे। तो समझो काम हो गया। अल्लाह हाफिज। जय श्री राम। जा सबके बुला ला। अच्छा माई, अरे हमार लाडो रानी उहां का देखा तारू। अरे भैया तुहार कोराई हो गई होके, तावा माई बोलावत बानी, गर्मा गर्म पूड़ी तैयार बा। अरे हमरा के टाइम लगे, रंजन के खिया दा। हमरा के भूख नहीं खे। भूख काहे नहीं खे? अरे माई बनौली है ना गर्मा गर्म मसालेदार आलू के कचालू आ अजवाइन वाली पूड़ी। अरे का कचालू? अरे पहले काहे ना बतौलू? ये बेटा रंजन, तन्न से नीचे आ जा। ये बेटा सुमितवा, ते फन्न से कलेवा लगावा। ये बेटा बबुआ, तू छन्न से हमरे साथे चला। अरे बाबूजी पहले हाथवा गोड़वा धोवे दादी। अरे सिर कहू हाथ पांव धोवेला, चला। अरे आलू कचालू हो, चालू कचालू हमार रुंझुन खाए। आलू कचालू हो, आलू कचालू हो, आलू कचालू हमार रुंझुन खाए। आलू कचालू हो, आलू कचालू हो, आलू कचालू हमार रुंझुन खाए। आलू कचालू खाई कचालू तो होई गुलू गुलू हमार रुंझुनिया खाए। कचालू 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 हमार रुंझुनिया खाए। कचालू खाई कचालू तो होई गुलू गुलू हमार रुंझुनिया खाए। कचालू खाई कचालू तो होई गुलू गुलू। अब माँ बहनिया खाई ये हमरी तरफ से आ ई माई की तरफ से। हे परमात्मा, हमार सोना जैसन बेटी के का जाने के एक नजर लग गई। जल्दी खा लाना तो कौवा खा जाई, खरगोश खा जाई। अब ये सुमिता दीदी की तरफ से। हे भगवान, हमार गहना जेवर खेती बाड़ी सब कुछ ले ली, बाकी हमार बेटी के ठीक कर दी। हे बजरंगबली, कृपा कर दा बजरंग बली। जय। आप ता महावीर बजरंग बली जी के ही सहारा बा। कहे कि हम अगर दुकान और मकान दोनों बेच दी तो यह 6-7 लाख से ज्यादा ना मिली। बाकी बाजार के लोगन से उम्मीद भी ना रखे के चाहिए। बात तो ठीक कहता नहीं काका। फिर रुंझुन के ऑपरेशन हुई कैसे? कहां से आई 25 लाख रुपया? रुपया के इंतजाम भी हो जाए और रुंझुन के इलाज भी हो जाए। बाबूजी, ये तुहार महतारी गहना भेजली है, लगभग 5 लाख के होबे करी। और काल बैंक खुलेदा तब फिर देखल जाए कि जमीन गिरवी रख के कितना पैसा मिलेगा। बाकी बाबूजी, बैंक के फॉर्मेलिटी में तो बहुत टाइम लगेगा। इतना टाइम नहीं खे ऑपरेशन खातिर, हमने के कोनो रास्ता सोचे के पड़ी। हमरा नजर में एगो रास्ता बा। का? विधायक संकटा प्रसाद चतुर्वेदी, हम उनका से गुहार लगाए। हमरा पूरा विश्वास है कि इस मुसीबत के घड़ी में वो जरूर मदद करिए। हमने के नेता वड़ान, आखिर वोट देनी है हमने। अरे भाई, कोनो उनसे उधार थोड़े मांगता नहीं। बैंक के जैसे कार्रवाई पूरा हो जाए, उनका पैसा उनके लौटा दे। हाँ? बाकी के जाए विधायक के पास? हम जाए, हम काले भोरे भोरे जाए और जाके उनकर जनता दरबार में माथा टेक के मदद के गुहार लगाई। हमरा उम्मीद बा जरूर मदद करी, इनकार ना करी।
प्रणाम 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 प्रणाम। बैठिए। अवधि भोजपुरी भाषाई देशों की सद्भावना यात्रा सांस्कृतिक मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा मूल भोजपुरी अवधि और मैथिली भाषाई द्वारा उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के कला महिषियों को सम्मिलित कर सांस्कृतिक सद्भावना यात्रा आयोजित करने जा रही है। विभाग के मंत्री केसरवानी ने लखनऊ में पत्रकार वार्ता में घोषणा की। 10 दिन की सद्भावना यात्रा को नवरात्र के प्रथम दिन संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ से आरंभ होगी तथा विजय दशमी के दिन पटना में संपन्न होगी। इस दौरान इसके लखनऊ के ऐतिहासिक महत्व के स्थल अयोध्या, भरतकुंड, तीर्थराज प्रयाग, विंध्याचल, चुनार का किला, काशी विश्वनाथ, वाराणसी, गया और बिहार झारखंड के दर्शनीय स्थलों से होकर गुजरेगी। पत्रकार वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी भाषा संघ के अध्यक्ष सूरी नाम के श्री विजय महादेव भी उपस्थित थे। ओए अस्सलाम वालेकुम लाले दीजान। ओए आज का खबर पढ़ा तुम? हाँ पढ़ी। पूजा अर्चना और चना चबैना के बाद अखबार की खबर गुड़ की तरह होते है। सुबह सुबह अखबार ना पढ़े तो अखबार वाले बुरा मान जाइए। तो फिर क्या सोचे, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? नेताजी प्रणाम। हम हरिहर प्रसाद, ग्राम नरहरपुर। सरकार जे हम नरहरपुर बाजार के जनता के प्रतिनिधि बन के आयल बानी। एगो बहुत बड़ समस्या आ गई बा, जेकर समाधान बस रहुए पास है। नेताजी के पास तो हर बतकई के समय नहीं खे, बहुत लंबा कतार बा, जल्दी बोला। चलिए मालिक। बबुआ, तू यहाँ कैसे आइला? हम दोहार कुल समस्या सुन ले ले बानी। बाकी हमरा के तारा से मदद के कोनो दरकार नहीं किए। हम जाना ताने। तोरा नजर में हम अपन कुल विश्वास खो चुकल बानी। बाकी सुधरे का मौका तो एक बार भगवानों देवेला। हम पहले वाला संकटा नहीं है, इतना तो हम पर विश्वास करा। आपन बहन की जान बचाना। बतावा, अपन बहन के जान बचावे खातिर हमरा का करे के पड़ी? एगो बहुत मामूली सा काम बा। साफ साफ बोला। सरकार सद्भावना यात्रा निकाल रहल बिया, तोरा सिर्फ बस के पटना से पहले अगवा करके नेपाल के बॉर्डर तक ले जाए के बा। आगे के काम हमरे हाथ में बा। बोला मंजूर बा? ये तो सरासर देश से गद्दारी हुई। एकरा गद्दारी ना, राजनीति कूटनीति चाल कहल जाला। देखा, बस अगवा करे से जनता के नजर में सरकार के मिट्टी पलीत हो जाए, सरकार गिर जाए, ओकरा बाद हमरी पार्टी सरकार बनाई। बस यही काम बा। ई हमरा से ना होई। सोच ला। अरे 25 लाख खातिर त लोग जान भी ले लेवेला। तू ना करबा तो केहू और करी। जा।
करवाला जेकरा से मर्जी, और रहल बात हमरा बहिन के ऑपरेशन के, तो बाजार से चंदा लेके करवा ले, ठीक बा? खोपड़ी के बाल निकालने से मुर्दा के वजन कम ना होला, ये तो खेला है बबुआ। ले दही ला दही, हमरा सद्भावना यात्रा के बस चाहिए, और तोरा अपने बहन के जिंदगी। का भइल बबुआ, का भइल? तू हमने से कुछ छुपा रहल बाड़ा, बोला ना, का बात बा? हमनी के दोस्ती की कसम। का कहीं यार, कुछ समझ में नहीं खेवत। एक तरफ रुंझुन के जिंदगी बचावे खातिर 25 लाख चाहिए, और दूसरी तरफ सरकार गिरावे के कीमत 25 लाख मिला था। के दे रहल बा 25 लाख? हाँ बबुआ, के कर रहल बा 25 लाख के सौदेबाजी? विधायक संकटा प्रसाद चतुर्वेदी। बस अपहरण के पीछे संकटा प्रसाद के सरकार गिरावे के साजिश है, बाकी ओकरा से हमनी के का लेना देना। अब रुंझुन के जिंदगी बचावे खातिर हमरा एक ही रास्ता दिखाता। ठीक बा, हमनी के मिशन में तोहरा साथ बानी। तू जा, संकटा से सौदा कर ला। जा बबुआ, जा, जा, जा। विधायक जी, हमरा के सौदा मंजूर बा। बहुत नीक फैसला कैले बाड़ा बबुआ गोकुल प्रसाद तिवारी। ला गर्ल्स, तुम सभी को एक सूचना देने आई हूँ। सद्भावना बस यात्रा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव संस्कृति विभाग द्वारा हमें एक मेल आया है, और इसमें हम सिर्फ भाग ही नहीं ले रहे हैं, पोस्ट भी हमें ही करना है। प्रीति, यस मैम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और हमारे जो फॉरेन डेलीगेट्स होंगे उनके लिए गाइड की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जी मैम। इसके लिए तुम चाहो तो अपनी सहेलियों को साथ में ले सकती हो। यस। ओके सर। सब आइए मिस्टर माथुर। मिस्टर माथुर, बस की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सब उस बस में विदेशी कलाकार हैं, और ये हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की बात है, इसलिए बस के 200 मीटर के दायरे में ना तो कोई वाहन आना चाहिए, ना ही कोई व्यक्ति आना चाहिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। ओके सब। सर, इसके लिए पुलिस की एक गाड़ी बस के आगे आगे पायलट करती हुई चलेगी, जिसकी कमांड डीएसपी अस्थाना संभालेंगे, और बस के पीछे मैं खुद फोर्स के साथ रहूंगा, ताकि परिंदा भी पर न मार सके। गुड, वेरी गुड, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। माननीय मंत्री जी, प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय कलाकार अतिथि लोगन, अधिकारीगण, प्रेस एवं मीडिया के साथी बंधु, हमारी सरकार द्वारा आयोजित सद्भावना बस यात्रा के शुभारंभ बेला में नाट्य अकादमी की तरफ से हम आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मंत्री जी से आग्रह करत बानी, आप दो शब्द बोलकर हम सभी का अनुग्रहित करें। भाइयों और बहनों, हम सोचत रही आज हिंदी में बोले, लेकिन अब सोचा था नहीं चला भोजपुरी में बोला जाए।
अपना प्रदेश के विकास और अपने प्रदेश की भाषा में बोला है। हम स्वागत करतानी अंतरराष्ट्रीय कलाकारन के, हम स्वागत करतानी त्रिनिदाद से पधारे कलाकारन के, और साथ ही साथ हम स्वागत करतानी मॉरिशस, फिजी, गुआना, सुरीनाम से पधारे कलाकारन के, जितने दूर से हमारे प्रदेश द्वारा आयोजित सद्भावना यात्रा में भाग लेने खातिर पधारे हैं। आप सबके धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि आप सब जानतानी कि हमारे प्रदेश के एक नारा बा, सुंदर प्रदेश, दर्शनीय प्रदेश। एक दिन के बाद हम बतावता नहीं आप लोगन के, हम अपने सहयोगन के साथ बैठल रहली, विचार करत रहली कि कैसे हमारे प्रदेश के विकास हो, कैसे हमारे प्रदेश दूर दुनिया में देखावल जाए। तो हम सब विचार कहनी कि काहे ना एगो बस यात्रा के कार्यक्रम के शुरुआत कैल जाए, जेकर नाम दिया गए सद्भावना यात्रा। आज बस यात्रा के हम शुभारंभ करता नहीं, हम रउआ लोगन से गुजारिश करता नहीं, चला बस में बैठी ताकि प्रदेश के सुंदर दर्शन देश दुनिया तक हो जाए। नमस्कार। इस सद्भावना यात्रा के शुभ अवसर पर हम प्रीति संकटा प्रसाद चतुर्वेदी आप सभी डेलीगेट्स के तहे दिल से स्वागत करत आनी। हम आप सबने के होस्ट हैं और ई यात्रा में हम आप सबन के साथ रहब, और आप सबके उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के दर्शनीय स्थल के भ्रमण करवाई। आप सब लोग के पूर्वजन के माटी के दर्शन कर याद ताजा हो जाए और आप सबनी के मन आनंदित हो जाए। अभी हम लखनऊ के मशहूर एवं बेमिसाल अंबेडकर गार्डन से गुजर रहल बानी। ली, अब हमार बस पहुंच रहल बा नवाबों के शहर लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा। अरे यू है ना जेके नवाब आसिफ उद्दौला बनोले रहे। अच्छा, वही जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफ उद्दौला। हाँ, 1776 में नवाब आसिफ उद्दौला अवध के राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले आईले। उहे समय सदी के सबसे बड़ प्रकोप आयल रहे, चारों ओर महामारी और भुखमरी फैलल रहे। आवाम के फाका कशी से बचावे खातिर ई अजीम और शान इमारत बड़ा इमामबाड़ा बन के तैयार हो गई। सरयू नदी है, जेकरा किनारे बसल नगर अयोध्या है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म भेल। अयोध्या के पावन भूमि पर आप सबने सूर्य देवता के अर्घ्य चढ़ाई, फिर हमने दर्शन करे चले चली। मोरवा के छोरवा निहारे रे मोरे।
पानी रे पपी है राधे की तर से देह की तर से बिना पानी रे पपी है राधे की तर से पपी की तर से जाले हिरनी से चलिया बोले लुट लागे जैसे कुह के कोयलिया हो आए हाय रे बोलिया जैसे चंदा उगलवा रही रही के।
अरे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, जानबूझ कर नहीं किया है। कसम स्टोर की ये तो ऊपर वाला भी जानता है। अरे माफी चाहता हूँ। I will kill you. I will kill you. बड़ा गलती। I will throw out of you, bus. अरे अरे अंकल जी, अरे 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 जाने दीजिए ना अंकल जी। अरे अनजाने में हुई गलती को तो भगवान भी माफ कर देते हैं, क्यों भाई? और फिर हम तो भगवान से ऊपर नहीं है ना। और देखिए अंकल जी, वो तो अपनी गलती के लिए माफी भी मांग रहे हैं। अंकल जी अब तो माफ कर दीजिए ना। अंकल माफ कर दी ही ना। ओके आई लाइक एवरीबॉडी, ओके इनफ। रोकना, थोड़ा धीरे करना, थोड़ा आगे लो। जय हिंद सर। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? लघु शंका सर। है नेचुरल कॉल सर। मूव फास्ट एंड फॉलो द बस सर। हाँ, बीच में कहीं दीर्घ शंका के लिए मत रुक जाना सर। चलो जय हिंद सर। अगर मिशन कामयाब ना भेल तो जमाना बुरा मान जाए। अहम ई बंदूक के सारे गोली तोरे खोपड़िया में ठोक दे। जहाँ राम तहाँ सकर समाजू, बिन रघुवर अवध का काजू। अरे घोषाल बाबू ऐसे नहीं है, ऐसे है। जहाँ राम तहाँ सकल समाजू, बिन रघुवर अवध का काजू। राम सिया राम सिया राम जय राम। ओ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम। Thank you.
क्या हुआ? पंचर। उधर भी? जी साहब। यार शिट। हेलो हेडक्वार्टर। सर हाँ, मैं एसपी माथुर बोल रहा हूँ। सर हाँ, मेरी गाड़ी अचानक खराब हो गई है, जल्दी से जल्दी दूसरी गाड़ी भेजने की व्यवस्था करें प्लीज। हरी आप। जी सर, जितनी जल्दी हो सकता भेजिए। ओके सर। ओ दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए राम सिया राम, सिया राम जय जय हरि अनंत हरि कथानंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। प्रभु की कृपा भयहुँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जेके हिलने की कोशिश करी अपन जान से जाए। आई जैक्ट सुन, यहां बस मैं प्रीति और उनका सहेली बनी, तनी ध्यान से। अरहा हमने के ही बस हाईजैक कर ले मानी। मैसेज सुना जे के हुआ अपन फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करी अपन जान से जाई, याद रहे। बबुआ की आवाज? ना ना, वो कैसे हो सकेला? हाँ बबुआ बोला। तार काम हो गई, हमनी के बस के हाईजैक कर ले मानी। बबुआ गोकुल प्रसाद तिवारी, काम ना होई तो जमाना बुरा मान जाए, तू बस पर कब्जा जमाव ले रहा, आगे के कार्रवाई हम बाद में बताए। हिले की कोशिश कर बे तो गोली खाई बे, ये गाड़ी हमरा कब्जे में बा, जैसे जैसे कहा था नहीं चुपचाप गाड़ी चलाओ, समझ ले। आराम बतौर अब्दुल्ला चल। मिशन के पहला चरण बिना बाधा के पूरा भइल। छनन छनन छन पायल छमके, मन देखो अयन के सन के, हाय हाय सब कर ला जब पतर कमरिया लचके। अल्लाह अल्लाह माशा अल्लाह।
बिटिया रखे जवाल भई जवनिया हाय राम केहू कहे सिला केहू मुनिया हाय राम केहू कहे सिला केहू मुनिया हाय राम हमरा जिया रखे जवाल भई जवनिया हाय राम हमरा जिया रखे जवाल भई जवनिया हाय राम बस हाईजैक्ट ये बस के अपहरण तो अभी अभी भइल है फिर ये मीडिया वालन के इतना जल्दी कैसे पता चला एसपी साहब सद्भावना बस यात्रा के सुरक्षा के जिम्मेवारी राउ रहे फिर ये बस हाईजैक कैसे हो गई अब देखिए बस के अपहरण के खबर हमके अभी अभी मिलेला वो भी मोबाइल पर मैसेज के द्वारा तब चलिए कम से कम आप मान तो रहे हैं कि बस हाईजैक हो गई है इसका मतलब ये कि पुलिस की कार्रवाई सख्त नहीं थी और बस का अपहरण हो गया ये सरासर झूठ है सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी मैं खुद सेफ्टी कवर कर रहा था फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया एसपी साहब देखिए उसको संयोग कहिए या आतंकवादियों की सुनियोजित चाल उनके द्वारा फेंके गए कीलों से मेरी गाड़ी पंचर हो गई और मेरा बस से संपर्क टूट गया जिसकी वजह से आतंकवादियों ने बस का अपहरण कर लिया मतलब आप मान रहे हैं कि पुलिस सुरक्षा में कहीं चूक हुई है सुरक्षा में कहीं कोई कमी नहीं थी ये मात्र एक संयोग है एसपी साहब संयोग का नाम देके आप पल्ला नहीं झाड़ सकते काफी बेगुनाह लोगों की जिंदगी दांव पे लगी है इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा देखिए जवाब देने से मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ लेकिन ये समय सवाल जवाब करने का नहीं है आप लोग भी मीडिया से हैं चैनल से आप लोग को भी चाहिए कि इस समय इस घटना को तूल न दे नहीं तो जनता में रोष बढ़ेगा एसपी साहब कामे ऐसा भइल बा कि रोष बढ़वे करी और उ बस में विदेशी कलाकार भी बाने अगर उनकर बाल भी बाका भइल तो अपना देश के का होई राष्ट्रीय छवि के का होई बोली अरे बा कोनो जवाब अच्छा ये बताइए कि अब आगे की रणनीति का है क्या करेंगे रणनीति जान के क्या करेंगे रणनीति जान के जो मसाला आपको यहाँ से मिला है वो बाजार में खूब बिकेगा जाइए खूब बेचिए और अपने अपने प्रेस और चैनल का नाम रोशन कीजिए जाइए प्लीज मेहरबानी करके जाइए जैसा कि आप देख रहे हैं अभी अभी मिली खबरों से पता चला है कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण 5 देशों की सद्भावना यात्रा बस का अपने प्रथम चरण में ही सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के बीच अपहरण कर लिया गया है त्रिनाथ की जनता एवं राष्ट्रपति की ओर से सद्भावना बस अपहरण की हम घोर निंदा करते हैं माननीय गृह मंत्री जी मैं सूरीनाम के प्रधानमंत्री की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं कि बस में जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द आतंकियों के चंगुल से छुड़ाया जाए गृह मंत्री जी मैं पब्लिक ऑफ मॉरिशस की जनता एवं माननीय प्रधानमंत्री की ओर से सद्भावना बस अपहरण की घोर निंदा करता हूं। हमारा अपने ही घर में अपहरण हो गया चारों ओर बस अपहरण कांड की भर्त्सना हो रही थी दुनिया भर के टीवी चैनलों में ये खबर बार बार लगातार ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखाई जा रही थी सरकार की नींद हराम हो चुकी थी
24 घंटे के भीतर अगवा हुई बस को खोज निकालने की जिम्मेदारी कानून और व्यवस्था को सौंप दी गई। मिस्टर माथुर, आप जैसा जाबाज समझदार और काबिल ऑफिसर के रहते हुए भी बस का अपहरण हो गया और पिछले 3 घंटे से बस का कोई अता पता नहीं। जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसे? सर, हमने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है सर, अब उनका बच निकलना नामुमकिन है। हम बहुत जल्दी उनको ढूंढ लेंगे सर। शेम शेम मिस्टर माथुर, शेम शेम। शर्म आती है मुझे अपने डिपार्टमेंट पे। ये मामला केवल देश का नहीं है, विदेश का भी है। हर तरफ मेरी थू थू हो रही है। क्या जवाब दूंगा मैं मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री को? है कोई जवाब आपके पास? है कोई जवाब? कुछ भी कीजिए, आई वांट रिजल्ट। ओके? यस सर। जैन सर, गाड़ी रोक। अब्दुल्ला, क्या ली मदद? अभी बस तो पुलिस थाने जाके ही रुकी। गाड़ी रोक। कसम परवरदिगार के, जब तक हमरा जिसमें जान बा, हम ही बस यात्रियों का कुछ ना हो दे। आगे देखो, बाई तरफ एक कच्ची सड़क जाता, गाड़ी हो जा उतार दो। इधर आओ। लगता है यहां कोई नहीं है, चलो। चला चला, बस में चला। ठीक बा। चल चल गाड़ी, चल 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 चल, स्टार्ट कर चल। सामने देख। तुम इन लोगों को लेकर उधर जाओ। यस सर। बाकी इधर आओ। फॉलो मी। सरकार के निकम्मापन और अखंड रवैया के उसे छिपल नहीं खे। जेकर सबसे बड़ा प्रमाण आज रउआ लोगन के सामने बा। जरा सोची उस सद्भावना बस के लाचार और बेबस यात्रियों के बारे में, जे आज 5 आतंकवादियों के संगीन के नोक पर सांस ले रहल हुए। उ लोगन के साथ अगला पल का होई, उ मासूम लोगन के पता नहीं खे। काहे जो उनके जिंदगी के आस और सांस के डोर सरकार के हाथ में बा। अगर ई सरकार चाही तो उ 5 आतंकवादियों के बदले उ मासूम बस यात्रियों के आजादी दिलवा सकेला। जनता जनार्दन होला, अगर आप लोग सरकार पर दबाव डाली तो ये 5 के बदले कितना के जिंदगी बच सकेला, फैसला आपके हाथ में बा। जय हिंद। संकटा प्रसाद। आतंकवादियों के रिहा करा।
अभियान के रिहा करें। ससुरा विधायक संकटा प्रसाद मन तो करता रिवॉल्वर के कुल गोली ओकरा सीना में उतार दी। शांत हो जा, ए समय धीरज रखे के काम है। अरे का धीरज रखी, उस ससुरा हमनी के आतंकवादी बना दिलस। संकटा प्रसाद तोरा के तब ना छोड़ा। कोई केहू के आतंकवादी ना बनावेला, वो कर खुद के फैसला होला। और वैसे भी का कहले पड़े संकटा प्रसाद, जितना आग बबूला होता ना, हम उनकर बेटी हैं, यही से पूछत हैं। बबुआ, लागत है हाईजैकर और प्रीति में कोनो पुरान जान पहचान। का कहले है तो हर बाप विधायक संकटा प्रसाद जान चाहता रू। तो सुना, रुंझुन के ब्रेन ट्यूमर हो गए, ओकरा इलाज खातिर डॉक्टर 25 लाख रुपया मांगत रहे। हमनी के पास कोनो रास्ता ना रहे, हम बाजार वाले गांव वाले मिल के भी 25 लाख रुपया की व्यवस्था ना कर पोती। हरिहर काका तोहरा बाप से मदद मांगे गए, तोहर बाप विधायक संकटा प्रसाद बबुआ से 25 लाख के बदला में ये बस हाईजेक करे के सौदा कर ले। हमनी के पास और कोनो रास्ता ना बचल रहे। बस देखिए, अब हम सब विधायक संकटा प्रसाद के मनसा जान ले बानी। अभी बबुआ रउआ लोगन से वादा करता, चाहे हमार जान काहे न चली जाए, लेकिन रउआ लोगन के बाल भी बाका ना होके दे। एह बीच अगर हमरा से कोनो गलती हो गई हो तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगता नहीं। मिस्टर माथुर सर, जंगल को चारों तरफ से घेर लीजिए, हेलीकॉम ऑपरेशन चालू कीजिए। सर, चप्पा चप्पा छान मारा, बस कोनो चीटी ना हा, ये गुम हो जाए। ओके जी सर। जैन सर, गाड़ी कहाँ रुक ले से? बस आगे ना जा सके, आगे खाई बा। चल चल सुनील, सबके बाहर निकाला, चल 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 चल, यल्ला मदद, बार 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 लाइन से, चल 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 चला, नीचे 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 करके उतरा सर, बाली बाली कर, कोई होशियारी ना चाहिए, चला चल 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 लाइन से चला। ए यल्ला, पता नहीं चले गया, चला एक एक लाइन से चला। माई बाप भाई बहन के सद्भावना मिलन के बात हो गई होके तो कुछ काम के बात हो जाए, हमरा के अंदेशा रहे कि तू वापस आ जाइबा, यही खातिर हम पहले से सतर्क रही। बबुआ संकटा ते अपने बाप पर भी विश्वास ना करेला, और फिर तू तो अनजान बाड़ा, और ऊ भी नया सुपाड़ी लेवे वाला, आहार भटकल वाजिब हा। बाकी शतरंजी खेल के हम बहुत पुरान खिलाड़ी बानी, ऐसे हम सह और मात के चार। ए बैठल रहा बबुआ, ए भैरवा। जी मालिक। एकर माई बाप के अपन गिरफ्त में ले ले, ससुरा हमरे से साहूकारी करता, हम 25 लाख दे ले बानी काम पूरा होए तक, तब तक ये लोग हमरे गिरफ्त में रही। सोचला
फैसला तेरे हाथ में बा। करार में नेपाल बॉर्डर के बाद तय रहे, याद आइल? ए भैरवा जी मालिक, पकड़ इन करा के। ए भैरवा, कल्लू प्रसाद उर्फ भैरवा, एगो बात याद रख, हमरे माई बाबू बहिन के छुअल तो बहुत दूर के बात बा, तोर नजर भी टिकी ना तोर आंख कान काट के कुकुर के खिया दे पा। और हां संगठा प्रसाद, तू हमार कुछ ना उखाड़ सकेला, तोर हालत तो सांप और छछुंदर जैसन हो गई बा। तोर बिटिया जो संगीत नाटक एकेडमी में पढ़े ली, पता करा उबिया की केहू किडनैप कर ले बा। और हां आज से हमरे माई बाबू बहिन के जिम्मेदारी तहरा ऊपर रही, इनकरा खरोच भी आई तो हम बुरा मान जाए। रुको, गन नीचे, गन नीचे। तू वह हवा ना जे आतंकवादी के गिरफ्तार करो ले रहे, बबुआ ना होता राइट? हाँ हम वह आई। एक तरफ तो तू आतंकवादी के गिरफ्तार करवा उतर, और दूसरा तरफ भेस बदल के उकनी के साथ देता रह। ये डबल गेम खेले के का मतलब? हम कौनो डबल गेम नहीं खेलता नहीं इस साहब, और ना ही उनका साथ देता नहीं। वो आतंकवादी कालो मार दुश्मन रहन और हमेशा रही है। और रहल बात वेशभूषा के, तो अपन बहिन के इलाज खातिर एको काम की बेड़ा उठोले बानी, वह करता नहीं। ई काहे नहीं के कहत कि आतंकवादियन से तू सौदेबाजी कैले बड़ा? ई झूठा, हम कौनो सौदेबाजी नहीं कैले, हम खाली बस के नेपाल बॉर्डर ले पहुंचावे के जिम्मेदारी लेले बानी। एके जिम्मेदारी ना गद्दारी कहल जाला, अपना माटी से गद्दारी, ई देशद्रोह। यस साहब, अपन जवान संभाल के बात करें, रउआ जगह पे केहू और हो कितना तो अपन जान से जाए, बाकी सच्चाई ना। तो कहा सच्चाई? कहा सच्चाई? सच्चाई है कि विधायक संकटा प्रसाद हमरा बहिन के इलाज खातिर हमरा के 25 लाख रुपया देले रहन, और उका बदले में बस के हाईजेक कर के नेपाल बॉर्डर तक पहुंचावे के जिम्मेदारी देले रहन, और कहलन कि ऐसे मौजूदा सरकार गिर जाए और उनकर पार्टी सत्ता में आ जाए, एकरा आगे हमरा कुछ नहीं के मालूम। वाह, तोहार दिमाग के तो हम दाद देता नहीं, लेकिन एगो बात तू अच्छी तरह समझ ले, ओ बस यात्रियन का जान जोखिम में डाल के जिम्मन कुछ विदेशी यात्री भी हमें, अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो हमारे देश के माथे पे कलंक के टीका लग जाए, ओका जिम्मेदार खाली तू होगा। ना एसपी साहब ना, अतिथि देव भव कहल जाला, चाहे हमार जान काहे ना चली जाए, बाकी अपन देश के आन बान शान पे कब्बो आचनावे देव। रउआ रउआ निश्चिंत रही, अब यात्रियों की सुरक्षा सिर्फ रउआ कंधे पे ना, बबुआ पर भी बा, बस हमरा के आज जाए ही विश्वास करें प्लीज। ठीक बा। All the best.
बबुआ और प्रीति के दिल में जरूर कोनो चाहत के ज्वाला सुलग रहल हो, जैसे बुझल राख के भीतर अभी दहक बाकी हो। ई दोनों के करीब लावे के खातिर हमरा का कुछ करे के पड़ी। आपस में विश्वास समर्पण नाम कहला प्यार के, प्यार के बाजी जी तल जाला एक दूसरा से हार के, एक झटका से टूट जे जाए पूना होला प्यार हो, एक झटका से टूट जे जाए पूना होला प्यार हो, आधी डाल सके ना प्यार के बीच दरार हो, प्यार के बीच दरार हो। प्यार है एक बंधन के दो, प्यार है एक बंधन के दो खींचे एक दूजे की ओर, प्यार है एक बंधन के दो खींचे एक दूजे की ओर, नफरत कर ना सके कमजोर, नफरत कर ना सके कमजोर, खींचे एक दूजे की ओर, प्यार हो एक बंधन के डोर खींचे एक दूजे की ओर, प्यार हो एक बंधन के डोर खींचे एक दूजे की ओर। मोहब्बत
सके न के हो तो मोहब्बत सके न के हो तो खींचे एक दूजे की ओर प्यार हो एक बंधन के डोर खींचे एक दूजे की ओर प्यार हो एक बंधन के डोर खींचे एक दूजे की ओर। नाराज हो? तो बोलत काय नाही खू? का बोली? कुछ तो बोला प्रीति, आज भी तोहर बबुआ हुए है, बाकी हालात हमरा का से का बना देलस। हमरा के माफ करता प्रीति, हमरा के माफ करता। तोहर दोस्त के बात सुन के हम सब समझ गए नहीं हम, एमे तोहर कोनो गलती ना हो। कबो कबो हवन करे में भी हाथ चल जाला और उहे हाथ से मुंह में कालिक लग जाला, पर सच त पवित्र गंगा जल के समान होला जे हर कलंक के काला टीका धो देवेला। बाकी हम सब बुझ गई नी, एमे तोहरा के फसावल गईल हा, तो कबो कोनो गलत फैसला ना कर सकेला, काहे कि तू हमार बबुआ हवा और हमार बबुआ के हमसे अच्छा के जानेला। प्रीति, हमरा पास आपन बेगुनाही साबित करे खातिर कोनो सबूत नहीं खे। ऐसे आतंकवादियों के रूप में मौत के सजा तताए हा। बबुआ, आज के बाद कबो अपना मौत के बारे में मत कही हा। तोहरे नाम के हमरा मांग में सिंधु नहीं खे तका, तोहरे नाम के क्रिया खैले बानी, हम भारत के लड़की हैं, सावित्री और सत्यवान के जैसन तोके मौत के मुंह से खींच के ले आए। प्रीति। प्रणाम भाई जी। ओहो, प्रणाम प्रणाम संकटा प्रसाद जी। सरकार बस यात्रियों के मुद्दा पर कारोख अख्तियार कर रहा बा। केंद्र सरकार से हमार बात हो गई है, गृह मंत्रालय से भी हमार बात हो गई है, बस एक निश्चित स्थान पे बस यात्री और आतंकवादी के अदला बदली पुलिस के निगरानी में कैल जाए, और ये बात के घोषणा तो हम सरकारी तौर पे कर रहा बनी। पर ऐसे तो सरकार के मट्टी पलीद हो जाए। हमरा और मतलब समझ गए नहीं, लेकिन संकटा प्रसाद जी, बिल्ली के भाग से सिकहर ना टूटेला। लेकिन सरकार टूटे में देर ना लगी भाई जी। संकटा प्रसाद जी, इस समय हमार प्राथमिकता बसमा फसल यात्रिन के जान बा, और रहल सरकार के बात तो इत सियासी खेल बा, मैदान खुलल बा। ठीक है, देखल जाए। ना घोड़ा दूर बा और ना मैदान चल जाए। चला चला बाबू लोग। जाते जाते को कहावत सुन ला संकटा प्रसाद जी, एगो ठाकुर साहब रहला, वो अपने नाव से पूछलस कि हमरे खोपड़ी में कितना बार बा, नहीं जवाब देलस सरकार, बस 2 मिनट रुक जाई, अब बे सामने आवत बा। प्रणाम। प्रणाम। चला। प्लीज कंटिन्यू। हेलो मिस्टर माथुर। हाँ सर, माथुर बोल रहा हूँ सर। लखनऊ की जेल से सुबह 6 बजे उन 5 आतंकवादियों को लेकर मिस्टर अवस्थी फुल आर्म फोर्स एस्कॉर्टिंग के साथ आपके ठिकाने पे पहुँचने वाले हैं। इस अदला बदली के कार्यक्रम में किसी प्रकार की भूल चूक या लापरवाही नहीं होनी चाहिए सर। आप खुद अपनी सुपरविजन में इस काम को शांतिपूर्ण तरीके से और सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। बबुआ बबुआ बबुआ, सद्भावना बस के यात्रियों के सुरक्षित हमरे हवाले करता।
सद्भावना यात्रियों के सुरक्षित हमरे हवाले कर दो। बबुआ तू चारों तरफ से पुलिस से घेरा गई बड़ा। जैन सर सौ पांचों आतंकवादियों के ले आई बानी। वेरी गुड। चल तोहनी के मन में तो लड्डू फूटा थोकी ना कि एजा से निकल के सरहद पार अपने आका के पास चल जीबे, लेकिन एसपी माथुर के रहते ही नामुमकिन है। एजा से भागे के ना तो साधन मिली ना जमीन। आखिरी बार पूछ रहा बानी, अपने आका के नाम बता दे और इस शहर में बम ब्लास्ट के कर रहे हो का नाम बता दे। विधायक संकटा प्रसाद तई है वह नहन के सरगना और देश के गद्दार। सख्त बहुत पहले से रहे, आज यकीन हो गए। पांचों आतंकवादी हमारे साथ बड़े, बस के यात्रियों के उतारा नीचे, बस यात्रियों के नीचे उतारा ही हमारा लास्ट वार्निंग है। राहुल सबके नीचे उतारा। चला बिटिया खान, वो हमार बिटिया है, हमार धड़कन। ओए लाले दी जान, अपना जज्बात पे काबू रखो वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। अरे कैसे काबू रखूं, बेटी के बाप हैं, कौनो कसाई ना। हमको मालूम है, हमको सब मालूम है, लेकिन तुम फिकर मत करो, ये हमारे जिंदगी का आखिरी जंग है और इंशाल्लाह फतेह हमारा ही होगा। ओए विधायक, इसके बाद तुम सुकून से अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में रहना, आराम का जिंदगी बसर करना, इंशाल्लाह सब अच्छा हो। विधायक संगठा प्रसाद, तुम्हारे आदमी अब आजाद बड़े, उनकरा के लेके जा। खबरदार, जे जहां बा वहीं खड़ा रहा, गेहूं अपनी जगह से हिलल या हरकत में आवे के कोशिश कैलस देवकरा के जान से हाथ धोए के पड़ी। क्यों एसपी साहब, बड़ा अजीब बात है, इतना कड़क आ ईमानदार पुलिस ऑफिसर जेकरा नाम सुनकर गुनहगारी ना गुनाह भी कांप उठेला, आज कितना बेबस अलाचार खड़ा है। ये जिंदगी के खेल है, कबो गाड़ी पे नाव, कबो नाव पर गाड़ी। ये आतंकवादियों के देख के 440 वोट के करंट लागल होई कि विधायक संकटा प्रसाद के ई देशद्रोहियन के साथ ई सांठगांठ कैसे, कि अपने सिपाहियों से कहा कि आपन हथियार हमारे आदमी के सामने रख देस, यही में भलाई है ना, तो ई ओधा ई पर्दी ई ईमानदारी यही ठंडा कर दे। ए विधायक जी, ये धमकी से हम डरा वाला नहीं की, देश के रक्षा कैल हमार फर्ज बा, ओकरा खातिर अपन जान भी दे दे, लेकिन अपना ईमानदारी के दामन पे दाग ना लगे दे। हे मरे के लेल तैयार हो जा तू।
पीछे और विदाय कोचे, तुम अपना बेटी से जाके मिलो, ये खबीज के औलाद को हम देख लेंगे, वैसे भी इससे हमारा बहुत पुराना हिसाब बाकी। कैसन हो बिटिया, हम जानत हैं तू हमरा से नाराज बारू, बाकी तू हमरा के ना बताइलू कि तू सद्भावना बस यात्रा में शामिल बारू। अच्छा भइल कि तू हमरा यहाँ मिल गईलू, हमने के हमेशा के खातिर ई देश छोड़ के विदेश जाए के प्लान बनवले बा, और ऐसे भी ई देश में का रखल बा, भुखमरी बेकारी बेरोजगारी और का, चला परदेश चल के नई जिंदगी जियल जाए। आवा परदेश रउए मुबारक हो, हम अपन देश छोड़ के ना जाए, ई त भगवान राम अ कृष्ण के पावन भूमि है, एकर इतिहास हमरा खातिर गौरव है, मान है, अभिमान है, हम अपन पहचान छोड़ के कहीं ना जाए। पागल मत बना, ये सब किताबी बात है, हकीकत में ऐसा नहीं गए। ठीक कहनी, जे होखेला वो ना दिखेला और जे ना होखेला उहे दिखेला, आज आपके असली चेहरा हमरा सामने आ गई है, और आज हमरा के अपने आप पे शर्म आ रहल बा कि हम एको देशद्रोही के बेटी हैं। बिटिया मत कही हमके बिटिया, मर गई ली आपके बिटिया। ये अदालत सद्भावना बस के अपहरणकर्ता विधायक संकटा प्रसाद चतुर्वेदी, विलायत खान और उसके 14 साथियों को देशद्रोह के संगीन जुर्म के लिए
उम्र कैद की सजा सुनाती है, जबकि बबुआ और उसके साथी भी उस अपराध में शामिल थे, लेकिन उन्होंने उस बस के यात्रियों को सुरक्षित आजाद कराए जाने में सरकार और पुलिस को सहयोग किया है। लिहाजा इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत उन सबों को 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर करती है। रह के